जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द डेजर्ट विलेज। ठंडी रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ते डिटेक्टिव बुमराह दूर कुछ देख आगे बढ़ते जा रहे थे। चांदनी रात रेत की सिलवटों से टकरा उनको चमका रही थी। मध्यम हवा धीरे से आहट कर गुनगुनाती आगे बढ़ जाती। एक अजीब सी खामोशी हर ओर पसरी थी। रेत के ऊंचे नीचे टीले अपना वर्चस्व फैलाए स्वागत में बैठे थे। कभी ऐसा लगता मानो रेत खुद जीवंत हो, एक आकार ले अभी उठ जाएगी और डिटेक्टिव का रास्ता रोक लेगी। अरे भाई, अभी कहां भटक रहे हैं? इतनी रात वो भी इस रेगिस्तान में। दूर दूर तक ना तो कोई बसावट दिख रही है और ना ही कोई इंसान। सैम थके से कदमों से किसी तरह खुद को आगे की ओर धकेल रहा था। लंबा जाना भी पड़ सकता है। सुना है आगे की ओर रेत चट्टानी इलाके के पास खत्म हो जाती है, वहां जरूर कोई बसेरा मिलेगा। पर कदमों को तेज रखना। सुना है कुछ भूखे शिकारी आज भी यहां शिकार करते हैं। बुमराह ने चेहरे पर कपड़ा बांध लिया। ये शब्द सुनते ही सैम के पैरों में मानो पंख लग गए। रेत ने पांव जमाता वो डिटेक्टिव के करीब पहुंच गया। अरे कैसी बात कर रहे हो? अगर इतना खतरा है तो हम यहां आए ही क्यों? सैम बोलता बोलता अचानक चिल्ला पड़ा, अरे ये। बुमराह ने तुरंत पीछे की ओर झांका। क्या हुआ? अपनी ही परछाई देखकर डर गया था। अंधेरे में कुछ ज्यादा ही अजीब दिख रही थी। सैम का चेहरा लाल पड़ चला था। तभी हवा का एक झोंका एक ओर से उनको हिलाकर चला गया, मानो कुछ बोल कर गया हो। दोनों खड़े एक दूसरे को देखते रहे। क्या सच में ऐसा हुआ? डिटेक्टिव ने हवा की दिशा में झांका तो पाया दूर रेत के टीले पर एक औरत नंगे पांव खड़ी है। उसके हाथ में कटारी है जो खून से लथपथ है। उस औरत की लंबाई आम नहीं थी। उसके इर्द गिर्द की रेत उड़ने लगी थी। वो चौड़ी आंखों से डिटेक्टिव और सैम को ताक रही थी। ये कौन है? कहीं कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में लोग बता रहे थे? उनका कहना था जो भी इस औरत को देख लेता है वो वापस दुनिया का रास्ता नहीं ले पाता। अरे अब क्या होगा? मैंने मना किया था, ये भूतिया केस मत लो। सैम का गला बैठा जा रहा था। अरे चुप रहो यार, वो गई कहां? डिटेक्टिव सोच की गहराइयों में गोते लगाने लगे। उस औरत के जाते ही वहां उथल पुथल सी हो गई। रेत अब हवा संग मिल उनकी आंखों पर पर्दा डालने लगी। संभल कर आओ और ठीक मेरे पीछे आना वरना भटक जाओगे। बुमराह किसी तरह आगे बढ़ पा रहे थे। रेत के अंदर से न जाने कितने कीड़े बाहर आने लगे। अरे अब ये क्या मुसीबत है? सैम उछलता कूदता आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रेतीला तूफान कमजोर पड़ने लगा और डिटेक्टिव देख सकते थे कि आगे की ओर चट्टानों से भरा रास्ता है। जैसे ही उन्होंने रेत को छोड़ पतले चट्टानी रास्ते को लिया, एक अजीब सा कोलाहल उनको घेरने लगा। ऐसी भयानक आवाजें किसी का भी दिल दहला सकती थी। हर ओर काली अंधेरी रात डर का पता बता रही थी। वो देखो, कोई है वहां। सैम को दूर कोई आग जलती दिखी। आओ उस ओर चलते हैं। डिटेक्टिव के कदम उस ओर बढ़ गए। जब वहां पहुंचे तो दंग रह गए। एक बूढ़ा वहां बैठा आग को निरंतर ताके जा रहा था। उस बूढ़े की दोनों आंखें थी ही नहीं। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आग की लपटों में वहां सिर्फ बुमराह और सैम की परछाई ही दिख पा रही थी।
उस बूढ़े की परछाई तो थी ही नहीं। कहां आ गए भैया, इधर तो मौत का बसेरा है, जो इस राह आता है वापस नहीं जाता। अगर दर्दनाक मौत नहीं चाहते तो लौट जाओ। बूढ़े के इन शब्दों ने बूमरा को चौंकन्ना कर दिया। बाबा आगे एक छोटा गांव है, सुना है वहां लोग 2 दिन पहले अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे, पर उनमें से कोई भी अभी तक मिला नहीं। डिटेक्टिव ने अपनी बात रखी। ये आज से थोड़े ही है, हर 60 साल बाद वो रेत के अंदर से बाहर आ जाती है अपनी कटारी लिए, और फिर एक एक कर मानव उसका ग्रास बन जाते हैं। जानते हो उसको हम क्या बोलते हैं? बूढ़े ने अपना सर बूमरा की ओर किया, मानो बिन आंखों के ही वो अंदर तक झांक सकता था। तो आप कहना चाहते हैं गांव के लोगों को ले गई? सैम की आवाज में कंपन थी। डिम्बा, वो जो इस रेगिस्तान की रानी है, वो जिसे मानव अगर खुली आंखों से देख ले तो अंधा हो जाए, उसको करीब से देखना मतलब मृत्यु को स्वयं देखना है। बूढ़ा अचानक बड़बड़ाने लगा। नहीं, मैं नहीं, यही जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो। ये बूढ़ा तो सनकी लगता है, सैम ने डिटेक्टिव के कान में कहा। बाबा हमें उस गांव तक जाना है, कैसे जाएं? आपको रास्ता मालूम है? बूमरा ने पूछा। हाँ, यहां से सीधे, कहीं भी मुड़ना मत, और अगर कोई बुलाए तो रुकना मत, वरना मेरी तरह अंधे नहीं जीने योग्य भी ना रहोगे। और हाँ, अगर नीला पत्थर देखो तो उसे लांघना मत। बूढ़ा हंसने लगा। फिर कोई जा रहा है, ओ मौत की रानी, फिर से होगी तेरी बुलंद कहानी। बूमरा उस बूढ़े का वर्ताव देख हैरान थे। भाई ये हमें गलत जगह भेज रहा है, ये जीवित नहीं है, देखो तो इसकी परछाई ही नहीं है, जरूर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, वापस चलते हैं। सैम डर में आधा हुए जा रहा था, पर बूमरा, उनको तो इस रहस्य के आर पार देखना था। उन्होंने बिना हिचकिचाए रास्ता पकड़ लिया जो बूढ़े ने बताया था, पर बस कुछ ही समय बाद वो देख सकते थे चारों ओर उजड़े से घर थे, दीवारों पर खून के निशान थे, कहीं कहीं मानव कंकाल भी दिख जाते। वीरान पड़े उन घरों से रुक रुक कर फुसफुसाने की आवाजें आती, तो कभी कोई चमगादड़ एकदम से उनके पास से गुजरता। अचानक एक आवाज ने उन दोनों को स्तब्ध कर दिया। मुझसे मिलना चाहते हो तो आओ, डरो मत, पीछे मुड़ो और आओ। पीछे मत देखना, डिटेक्टिव ने सैम को हिदायत दी, पर कोई आवाज ना आई। सैम तुम पीछे ही हो ना? जब दोबारा भी वहां सिर्फ खामोशी मिली तो डिटेक्टिव पीछे पलटे। जो नजारा उनके सामने था वो आम आदमी को दिमागी रूप से गंभीर कर सकता था। एक औरत टूटी दीवार पर बैठी थी, उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, और वो सैम को सिर्फ अपने एक हाथ से हवा में लटकाए बैठी थी, मानो उसके लिए वो बस मामूली कठपुतली हो। उसके एक हाथ में कटारी थी। सैम घुटी सी आवाज में बस असहाय हो डिटेक्टिव बूमरा को देख रहा था। बूमरा कुछ कहते वो तेज गति से सैम को लिए एक और दौड़ गई और अंधेरे में विलीन हो गई। क्या है लोगों के गायब हो जाने का रहस्य? कौन है वो औरत जिसे लोग डिम्बा कहते हैं? क्या डिटेक्टिव सैम को बचा पाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द मिस्ट्री ऑफ द डेजर्ट विलेज भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।